वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, यू आर वॉचिंग इन्फो अरुण व्लॉग्स। सो गाइज, फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। फाइनली वो गाड़ी जो है मार्केट में आज की डेट में लॉन्च हो चुकी है, जिसका आपको, मुझे और सबको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ऑल न्यू i20 2020 की, जो हाल ही में आज ही जो है लॉन्च हुई है, और जिसका अगर मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँ तो इस तरह की आपको जो है गाड़ी दिखे। गाड़ी की फीचर्स और डिटेल की हम पूरी वीडियो में बात करेंगे, बट उससे पहले आपको गाड़ी की एक झलक दिखाना चाहूँगा। सो गाइज, गाड़ी के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखिए एंड देन विल टॉक अबाउट द फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। हैव अ लुक गाइज। सो गाइज, आपने देखे गाड़ी के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स, इससे आपको आइडिया हो गया कि किस तरह की जो है द ऑल न्यू i20 आपको जो है दिखने वाली है। बात करेंगे गाड़ी के फीचर्स की, किस तरह के चेंजेस जो है गाड़ी में इंटीरियर और एक्सटीरियर में किए गए हैं। यहीं पर अगर मैं आपको गाड़ी की फ्रंट लुक दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आपको जो है ग्रिल आप जो है देख रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर की, आपको जो है i20 की बिल्कुल न्यू आपको अवतार में जो है इसकी ग्रिल मिलने वाली है। और यहीं पर अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये जो आपको यहाँ पर जो DRL जो आपकी डे टाइम रनिंग लाइट आपको दिख रही है विद LED प्रोजेक्टर्स के साथ आपको जो है यहाँ पर मिलेगा। इंडिकेटर का ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है। और यहीं पर थोड़ा सा आपको नीचे दिखाना चाहूँ, यहाँ पर आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर का आपको जो है इसके अंदर प्रोजेक्टर्स ही मिलेंगे, लेकिन ये आपके हेलोजन प्रोजेक्टर्स हैं। गाड़ी के अंदर आपको अगर फ्रंट बम्पर की बात करूँ तो आपको गाड़ी के अंदर ड्यूअल टोन का जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ आपको जो है फ्रंट बम्पर मिलने वाला है। और यहीं पर ग्लॉसी ब्लैक कलर का अगर मैं बात करूँ तो यही ग्लॉसी ब्लैक कलर का आपको जो है टच आपको रियर बम्पर पर भी मिलेगा, और साइड क्लाइडिंग पर भी आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर का टच मिलेगा। यहीं पर अगर मैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल आपको दिखाना चाहूँ, जहाँ पर आपको जो है ज़बरदस्त 16 इंचेस के डायमंड कट आपको जो है ड्यूअल टोन के अंदर इसके जो है अलॉयज मिलने वाले हैं। टायर साइज़ की बात करूँ तो 195/55 R16 आपको टायर साइज़ मिलेगा, और इस तरह के आपको जो है ड्यूअल टोन के इसके आपको जो है अलॉयज मिलने वाले हैं। सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, गाड़ी के अंदर आपको जो है क्रोम का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। तो जो भी मेरे क्रोम लवर्स भाई हैं जिनको जो है गाड़ी के अंदर क्रोम बहुत पसंद है, तो उनके लिए ये i20 एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको ऑल द वे जो है बेल्ट लाइन आपको जो है इसके अंदर क्रोम मिलने वाला है, जो आपके जो है आपके सी पिलर पर जो आके जो है ख़त्म होता है। और यहीं पर आपको जो है क्रोम हैंडल्स भी इसके अंदर मिलेंगे। जिस गाड़ी का पर्टिकुलर मैं बताना चाहूँ, आपको रिव्यू कर रहे हैं 1.2 पेट्रोल एस्टा का हम जो है रिव्यू कर रहे हैं, जिसकी आपको जो है इस तरह की स्मार्ट की मिलेगी, जिसके अंदर आपको जो है पुश बटन भी जो है इस मॉडल के अंदर मिलने वाला है। यहीं पर साइड मिरर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है अगेन ब्लैक और बॉडी कलर का जो है आपको जो है साइड मिरर मिलेगा विद LED टर्न इंडिकेटर के साथ। बी पिलर पर एज यूजल आपको जो है ब्लैक मैट कलर की जो है सैश आपको जो है टेप मिलने वाली है। गाड़ी में जैसे मैंने आपको बताया कि साइड में भी आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलेगी, जहां पर आपको जो है बहुत ज़बरदस्त i20 की बैजिंग मिलेगी। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँ i20 की बैजिंग आपको जो है आपको फ्रंट से लेके बैक तक आपको जो है i20 की बैजिंग आपको हर जगह दिखेगी। जिस तरह साइड क्लैडिंग पर मैंने आपको बताया, यहीं पर अगर मैं रियर सेक्शन पे आऊँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया बेल्ट लाइन आपको जो है क्रोम का जिसका अंदर टच मिलने वाला है। और यहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक बहुत अच्छी चीज़, जो रियर आपकी टेल लैंप है, टेल लैंप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है i20 की यहाँ पर भी आपको जो है ज़बरदस्त बैजिंग मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त जो बहुत टची और स्पोर्ट्स जो है एक लुक देती है, यहाँ पर आपको जो है i20 की इस तरह की बैजिंग मिलेगी। गाड़ी की रियर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑल द न्यू लुक के साथ आपको जो है जी शेप आपको जो है इसके अंदर आपको जो है टेल लैंप मिलने वाला है।
देखेंगे आप बिल्कुल जेड शेप में आपको जो है ऑल द वे बहुत ज़बरदस्त और एकदम बिल्कुल क्लासी लुक के साथ आपको जो है ये वाली i20 आपको मिलने वाली है। जिस मॉडल का हम रिव्यू कर रहे हैं एस्टा मॉडल आपको दिखने वाला है, ऑल न्यू हुंडई बैजिंग के साथ, क्रोम का अगेन जो है बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। गाड़ी में शार्क फिन एंटीना मिलेगा, यहाँ पर आपको हाई माउंटेड आपको जो है स्टॉप लैंप मिलेगा, गाड़ी के अंदर आपको जो है डीफॉगर मिलेगा वाइपर वॉश और वाइपर के साथ। रियर सेक्शन पर आपको मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पर आपको जो है अगेन रियर कैमरा मिलेगा विद रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था रियर साइड में आपको जो है रियर बम्पर पर भी जो है आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इसको जो है टच दिया गया है ग्लॉसी ब्लैक कलर का, जिससे इस गाड़ी की जो है और ज़्यादा इसकी जो है स्पोर्टीनेस बढ़ गई है। गाड़ी की अगर बूट स्पेस की बात करूँ तो बहुत अच्छा आपको जो है गाड़ी के अंदर बूट स्पेस मिलने वाला है। तो इस तरह का गाड़ी के अंदर आपको जो है बूट स्पेस मिलने वाला है। स्पेयर व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पर आपको जो है बूट स्पेस की जो है आपको लाइट का ऑप्शन यहाँ से मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको जो है एस्टा के अंदर आपको जो है मॉडल के अंदर आपको जो है बॉस का जो है स्पीकर्स मिलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब वूफर आपको जो है बॉस का i20 के अंदर सबसे बेस्ट इन सेगमेंट आपको फर्स्ट टाइम जो है हुंडई i20 के अंदर मिलने वाला है। अगेन पार्सल ट्रे का ऑप्शन इसके अंदर आपको जो है मिलने वाला है। सो गाइस ये गाड़ी की जो है कुछ रेयर की लुक और कुछ जो है एक्सटीरियर आपको जो है i20 की लुक दिखने वाली है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा जिससे आपको जो है गाड़ी की और ज़्यादा आपको जो है क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें आपको क्या ऑप्शंस और जो है मिलने वाले। सो यहीं पर आपको मैं ये होल्डिंग दिखाना चाहूँगा जहाँ से आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस पता लग जाएंगे गाड़ी के अंदर कि इसके अंदर क्या आपको जो है एक्सटीरियर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स मिलेंगे, क्या इसके अंदर आपको जो है इंप्रेसिव इंटीरियर जो इसके देखने को मिलेगा। तो सारी फीचर्स की हम बात करेंगे, बट हाँ ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू है आपके लिए जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं गाड़ी के अंदर आपको जो है 1 लीटर का आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, उस पेट्रोल इंजन के अंदर आपको सिर्फ DCT और IMT ट्रांसमिशन मिलेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं 1.2 लीटर जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, यहां पर आपको जो है 5 स्पीड आपको जो है मैनुअल मिलेगा, इसके साथ आपको जो है IVT ट्रांसमिशन 1.2 लीटर पेट्रोल के अंदर मिलने वाला है। और यहीं पर डीजल की बात करूं तो डीजल के अंदर आपको सिर्फ मैनुअल ऑप्शन मिलेगा 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। तो इस तरह जो है हुंडई i20 के अंदर जो है ट्रांसमिशन को जो है अगेन इंजन वाइज डिवाइड किया गया है। सो इस तरह का जो है आपको जो है एक्सटीरियर रिव्यू मिलने वाला है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर जो है क्या फीचर्स जो है ऐड ऑन किए गए हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो इस तरह का आपको जो है द ऑल न्यू i20 का जो है स्पोर्ट्स कैबिन मिलने वाला है। अगर मैं यहीं पर आपको दिखाना चाहूँ गाड़ी के अंदर आपको जो है बहुत ज़बरदस्त आपको जो है बेस्ट इन सेगमेंट जो है इस i20 के अंदर आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलने वाला है। बात करेंगे उसकी डिटेल में, फर्स्ट मैं आपको राइट सेक्शन से बताना चाहूँगा। गाड़ी के अंदर आपको जो है यहाँ पर चारों जो है पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, यहीं पर आपको जो है साइड मिरर्स को आप जो है फोल्ड अनफोल्ड और इलेक्ट्रॉनिकली जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहीं पर आपको जो है जस्ट इसके साथ में आपको जो हेडलाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलेगा, जो आप यहां से आप जो है लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाड़ी के अंदर जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो बिल्कुल डिजिटल आपको जो है इसके अंदर आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। अगर आप देखें आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्पीडोमीटर मिलेगा विद फ्यूल की जो इसके अंदर आपको जो है इंफॉर्मेशन डिजिटली मिलेगी। ऑन द राइट हैंड साइड आपको जो है RPM मिलेगा, जिसके अंदर अगेन आपको जो है डिजिटल ऑप्शंस मिलेंगे विद कूल एंड हॉट ऑप्शंस के साथ गाड़ी के टेम्परेचर की। और यहीं पर सेंटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको अगेन फ्यूल इकोनॉमी एवरेज और गाड़ी जो है किस गाड़ी का क्या टेम्परेचर अभी जो है आपको देखने को सेंटर में मिल सकता है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपको जो है लेदर रैप आपको जो है स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, और बड़ा स्पोर्टी जो है स्टेयरिंग की जो है लुक मुझे देखने को मिल रही है। ऑन द राइट हैंड साइड अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको जो है ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कॉल पिक एंड ड्रॉप एंड वॉइस कमांड के ऑप्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे। गाड़ी के अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो अगेन आपको जो है सिल्वर और ब्लैक कलर के अंदर इसके अंदर आपको जो है स्टेयरिंग का जो है कलर ऑप्शन मिलने वाला है। और अगेन मैं बताना चाहूँ ये एस्टा मॉडल का हम रिव्यू कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको जो है क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, क्रूज कंट्रोल सिर्फ आपको जो है एस्टा ऑप्शनल में मिलेगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूं इंटीरियर की तो इंटीरियर आपको जो है ऑल ब्लैक कलर के अंदर, यहां पर आपको ब्लैक और सिल्वर कलर का आपको कहीं कहीं टच मिलेगा। और यहीं पर अगर आप ड्यूअल टोन में जाएंगे तो यहां पर आपको जो है ब्लैक के साथ जो है जहां पर सिल्वर है वहां पर आपको जो है रेड इंसर्ट आपको जो है टचअप उसके अंदर मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर अगर मैं कई जगह आपको दिखाना चाहूँ आपको बहुत एम्बिएंट लाइट का जो है यूज़ किया गया है, लाइक आप यहाँ पर हैंडल अगर आप जो है डोर क्लोज करते हैं ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ब्लू जो है आपको
एम्बिएंट लाइट का यूज़ किया गया। अगेन यहाँ पर जो है आप किसी तरह का कोई भी सामान रखते हैं, तो अगेन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसके अंदर जो है ऐड ऑन की गई हैं, जो बहुत क्लासी लग रही हैं। इसी के साथ राइट हैंड साइड में बताना चाहूँगा आपको जो है सारे हेडलाइट्स और आपके जो है फॉग लैंप्स के ऑप्शंस मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको जो है सारे वाइपर के आपको जो है कंट्रोल्स मिलते हैं। गाड़ी के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी, 10.2 इंचेस का आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, जो उसके अंदर आपको जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो है लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। बहुत ही स्लीक आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने में आपको लगेगा। यहाँ पर आपको अगेन जो है ऑन ऑफ वॉल्यूम और मैप, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, आपको सारे कंट्रोल्स आपको जो है यहीं पर मिल जाते हैं। इसी के साथ गाड़ी के अंदर आपको मैं बताना चाहूँ जो डैशबोर्ड जो इसका जो एसी वेंट्स की प्लेसमेंट है वो इतनी स्लीक है कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है इसकी लुक मिलती है। बिल्कुल आपको जो है जो आपकी पुरानी i20 में थी इस तरह का ऑप्शन नहीं था उसमें, तो ये बिल्कुल एक कंप्लीट एक जो है न्यू चेंज किया गया है हुंडई ने अपनी नई i20 के अंदर। तो यहाँ पर आपको इस तरह की जो है एसी वेंट्स की जो है प्लेसमेंट मिलने वाली है। जस्ट उसके नीचे आना चाहूँगा, यहाँ पर आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो है सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो है रियर डिफोगर मिलेगा, यहाँ पर फ्रंट में मिले फ्रंट डिफोगर आपको मिलेगा, और अगेन यहाँ से आपको जो है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जस्ट उसके नीचे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको जो है 12 वॉट का पावर सॉकेट मिलेगा विद 2 USB पोर्ट्स के साथ, और यहीं पर आपको जो है आपको अपने फ़ोन का ऑप्शन भी मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर मैं बात करूँ, जैसे कि 1.2 लीटर हम पेट्रोल इंजन का जो है रिव्यू कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैनुअल के अंदर मैंने आपको बताया कि 5-speed आपको जो है ट्रांसमिशन मिलता है, तो इसके अंदर आपको जो है 5-speed ट्रांसमिशन मिलने वाला है। यहीं पर आपको जो है दो आपको जो है कप होल्डर का यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है फिट हैंडब्रेक के साथ, और गाड़ी के अंदर बताना चाहूँ आपको आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही एनफ स्पेस के साथ आपको जो है ये आर्मरेस्ट मिलने वाला है। यहीं पर सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गाड़ी के अंदर आपको जो है सनग्लास का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप जो है गाड़ी में किसी तरह की भी सनग्लासेस अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको अगेन लाइट्स का ऑप्शन मिलता है, और इसी के साथ अगेन मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से आपको जो है वॉइस कमांड या किसी तरह की भी आप जो है फ़ोन पर बात करें तो यहाँ से आप जो है बात कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर यहीं पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ जो आपको रियर व्यू मिलेगा, ये आपको जो है ऑटो डिम का ऑप्शन भी मिलेगा इसके अंदर, तो अगेन आप जो है इसे मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं एंड अगेन इससे जो है ऑटो डिम का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर अगर मैं फ्रंट में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आपको जो है टिकट्स होल्डर का ऑप्शन मिलेगा, तो किसी तरह का वैनिटी मिरर आपको इस साइड नहीं मिलेगा, बट येस ऑन द को पैसेंजर साइड आपको जो है वैनिटी मिरर मिलने वाला है। तो यस गाइस, गाड़ी के अंदर फ्रंट लुक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कैबिन की इस तरह की आपको जो है ज़बरदस्त लुक मिलने वाली है द ऑल न्यू i20 की। गाड़ी के अंदर अगर मैं बताना चाहूँ 7 speakers जो है आपको बॉस के स्पीकर्स मिलेंगे विद 1 subwoofer के साथ, तो अगेन साउंड सिस्टम जो है i20 के अंदर आपको awesome मिलने वाला है। किसी तरह का कोई आपको जो है बाहर से ऑडियो सेटअप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं गाड़ी के रेयर सेक्शन पर, देखते हैं गाड़ी का रेयर एक्सपीरियंस। सो गाइस, हम आ चुके हैं गाड़ी के रियर सीट पर। तो बात करूँ अगर रियर सीट पे, तो अगेन ये नॉर्मल आपको बेंच फोल्डिंग जो है सीट्स नहीं मिल रही हैं। सीट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा आपको जो है थाई सपोर्ट मिलेगा, कोई नॉर्मल आपकी जो है बेंच फोल्डिंग सीट्स नहीं है। और अगेन लेग स्पेस की बात करूँ और हाइट स्पेस की बात करूँ तो एनएफ मेरे पास अभी भी लेग स्पेस है, जो i20 के अंदर एक और चीज़ को जो है ध्यान में रख के कि इसमें किसी तरह का लेग स्पेस का इशू आपको इस वाले न्यू i20 के अंदर नहीं आने वाला है। आपको एनएफ लेग स्पेस मिलेगा। आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई थी, 5'10" मेरी हाइट है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं रियर साइड पर अगर बात करूँ तो अभी भी मेरे पास एनएफ लेग स्पेस है, और हाइट स्पेस की बात करूँ तो एनएफ हाइट स्पेस भी मेरे पास मिले। यहीं पर अगर मैं बात करूँ आपको जो है रियर एसी वेंट, यहाँ पर भी आपको जो है इस मॉडल में मिलने वाले हैं विद एक USB पोर्ट के साथ, और यहाँ पर आप जो है छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको रियर सेक्शन में भी जो है लाइट मिलने वाली है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी के फ्रंट सीट पर आपको जो है हेडरेस्ट का एडजस्टेबल ऑप्शन मिलेगा। रियर में अगर मैं बात करूँ तो आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिक्स्ड पिलो ऑप्शन मिलने वाला है। बट अगेन बात करूँ सीट्स की तो बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको थाई सपोर्ट बहुत अच्छा इसके अंदर मिलने वाला है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, गाड़ी आपको 7 speakers के साथ मिलने वाली है विद बॉस की, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा आपको अगेन बॉस की ज़बरदस्त ब्रांडिंग जो ऑलरेडी गाड़ी की स्पोर्टी और ज़्यादा उसको जो है प्रीमियम बना देती है, तो यहाँ पर आपको जो है बॉस के स्पीकर्स जो है फॉर श्योर मिलने वाले हैं। तो गाइस, गाड़ी का रियर सेक्शन कुछ इस तरह का है। गाड़ी का फ्रंट और आपके जो है रियर सेक्शन पे बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स आपको जो है मिलेंगी, और गाड़ी की लुक आपने देख ही ली है, अंदर और बाहर से गाड़ी की जो है लुक जो है कम्प्लीटली चेंज की गई है। अब चलते हैं और बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की। सो गाइस, इस तरह की आपको जो है द ऑल न्यू i20 की जो है लुक मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर की। यहीं पर अगर बात करें गाड़ी के प्राइस की, तो डेली प्राइस
पर्टिकुलर अगर हम बेस मॉडल से शुरू करें तो 6,79,000 से स्टार्ट होकर 11,17,000 तक इसका प्राइस जाएगा टॉप मॉडल के साथ ड्यूअल टोन आता है। और पर्टिकुलर हम जिस मॉडल का हम रिव्यू कर रहे हैं, इस मॉडल का आपको प्राइस बताना चाहूँ तो अप्रॉक्स जो है 9,75,000 जो है इसका ऑन रोड प्राइस आपको मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर बताना चाहूँ आपको सिंगल टोन में ये गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 6 कलर के साथ मिलेगी, वहीं पर ड्यूअल टोन के साथ आपको गाड़ी जो है 2 कलर्स में मिलेगी। गाड़ी के अगर मैं बात करूँ वेटिंग पीरियड की तो ऑलमोस्ट जो है कंसिडर कीजिए गाड़ी के अंदर 1 महीने का जो है वेटिंग पीरियड मिलने वाला है। यहीं पर अगर आपको किसी तरह की भी कोई भी i20 के रिगार्डिंग क्वेरी या टेस्ट ड्राइव के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं यहाँ पर नंबर शेयर कर दूंगा, आप इस नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जिस शोरूम पर अभी मैं खड़ा हूँ फ्रंटियर हुंडई द्वारका राजापुरी में, इसकी भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको जो है स्क्रीन पर भी जो है शोरूम का एड्रेस दिख रहा होगा। तो 7 डेज 10 to 7 के बीच में आप कभी भी जो है शोरूम पर विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क फॉर द टेस्ट ड्राइव ऑल्सो। अगेन मैं बताना चाहूँगा गाड़ी जो है i20 ऑलरेडी जो है लोगों की जो है हैचबैक के अंदर पहली पसंद होती है और अभी जो है ईयर एंड में ऑलमोस्ट ये गाड़ी जो है आज ही लॉन्च हुई है तो अगेन क्रेज़ बहुत बढ़ गया है और इसका वेटिंग पीरियड डेफिनेटली जो है इससे भी ज़्यादा जो है बढ़ने वाला है। तो इनकेस अगर आप प्लान कर रहे हैं i20 की फेस्टिवल सीजन पे तो देर मत कीजिए, अपने टेस्ट ड्राइव जो है आज ही बुक कीजिए और गाड़ी की जो है एक झलक देखिए जिससे आप गाड़ी के जो है चेंजेस का पता लगे। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो आज के लिए इतना ही गाइज, फिर दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थैंक यू गाइज़।